2021 के मीडिया एंड तक बल्दियाती इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। तो तहसील निज़ामत के हवाले से भी हमारे यहाँ पर 2018 के इलेक्शन में सरदार सलीम साहब भी सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे। आप जी सरदार साहब भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, हालांकि वसाइल बहुत कम है, बजट जो है वो बहुत कम है। यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, इंशाल्लाह हो गई। शामली अस्पताल इंशाल्लाह हम इन एनी केस जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, हिल स्टार टीवी के साथ मैं हूं आसिफ शौकत अब्बासी। आज हमारे मेहमान हैं सदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ तहसील मरी सोहेल इरफान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। कैसे हैं आप? जी आपका शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। सर सबसे पहले मरी के अंदर आपकी जो है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बल्दियाती इलेक्शन, ये क्वेश्चन तो पंजाब गवर्नमेंट लेवल का है, कोई मिनिस्टर इसका जवाब दे सकता है, लेकिन बारह कब होने ये एक क्वेश्चन मार्क है। हमारी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान साहब, हमेशा वो अपने तमाम तर सियासी जदोजहद में वो बल्दियाती इलेक्शन कराने के हवाले से क्वेश्चंस भी रेज करते रहे, और अभी हमारी बदकिस्मती के 3 साल गुजर गए हैं, अभी तक नहीं हुए, लेकिन कुछ निज़ाम जो है उसको फिल्टर करके के वोट जो है वो बकायदा लेके और जो लोग बिक जाते थे उनका रास्ता रोकने के लिए निज़ाम को फिल्टर करने की ज़रूरत थी। जो पिछली बार उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में, जब हमारी पिछली 2013 से 18 तक हुकूमत थी, वहाँ पर उन्होंने करवाई भी, और उसमें भी हमने देखा कि एबटाबाद में जाकर फिर कौंसलर्स जो हैं वो बिक गए तहसील के इलेक्शन में, और उसको मज़ीद फिल्टर करने के लिए ये मेरे ख्याल से 2-2.5 साल लगे हैं। अब निज़ाम तकरीबन तैयार है, सेनेट के इलेक्शन के बाद की शुनीत थी, अब वो भी हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से 2021 के मिड या एंड तक बल्दियाती इलेक्शन में नज़र आ रहे हैं। मरी में हमारी क्या तैयारी है? अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तंजीमी तौर के ऊपर इनका हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्कुल मौजा जात लेवल तक हम ले गए हैं, और तकरीबन 90% हमारी जो मौजा तक जो है वो तंजीमें मुकम्मल हैं। 2-3 यूनियन काउंसिल्स की कुछ मामलात रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के एंड तक हम उसको कंप्लीट कर लें। और अभी जो मेरे नीचे तंजीमी स्ट्रक्चर है, सिर्फ मदर बॉडी का अगर मैं कहूँ तो वो तकरीबन 1000 बंदे के लगभग है, और अगर 15 यूनियन काउंसिल को उसको तकसीम करें तो मदर बॉडी का तकरीबन 60-65% लोग जो हैं वो एक्टिव मेंबर्स जो हैं, मतलब वो पार्टी के एक कॉल के एक इशारे के मुंतजर हैं, और डायआउट वर्कर्स हैं। तो मेरे ख्याल से अभी अगर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो जो निचले लेवल तक, वार्ड लेवल तक हमारे पास टीम मौजूद है, मैं नहीं समझता कि अभी तक कोई भी और पार्टी जो है वो इतने निचले लेवल तक लोगों को मुनज़्ज़म होने में कामयाब रही है। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हमने एक तंजीमी जलसा करवाया था, सदाकत अली भाई साहब ने आपके मरी रोड पे लियाकत बाग में, तो वहाँ पर सिर्फ हमने 4 दिन के नोटिस के ऊपर तकरीबन कोई 1000 बंदे की यहाँ से रैली लेके गए, तो उसमें सारे ही हमारे तकरीबन जो है वो सिर्फ तंजीमी लोग थे जो एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर इतनी बड़ी तादाद में गए। सर ज़्यादा जो आपके वर्कर हैं वो जानना चाहते हैं कि तहसील की निज़ामत के लिए, मरी की निज़ामत के लिए कौन से उम्मीदवार सामने लेके आते हैं? सर ये अहम पॉइंट है। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन जो है वो ज़ाहिर है ऊपर एक पार्टी है हमारी, एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें आपने पहले देखा कि हमारे सदाकत अली भाई साहब को टिकट मिला, बड़े अच्छे अच्छे नाम, बड़े सीजन पॉलिटिशियंस भी मैदान में थे, लेकिन इस पार्टी की खूबी है कि इसमें जो नीचे से वर्कर वर्क करके आता है उसको पार्टी डेफिनेटली हर हवाले से देखती है, जांचती है, और हमारे एमपीए और एमएनए दोनों इसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करने में कोटली सतिया और मरी में बड़ा उनका किरदार रहा, और एंड में हमने देखा कि टिकट भी जो है वर्कर्स को गए। बहरहाल
ये हमारा एक पार्टी, एक इंस्टीट्यूशन है, इसका जो भी फैसला होता है वो सारे मनवान तस्लीम करते हैं। और ये वाहिद पार्टी है, आपने देखा कि इसमें टिकट की एप्लीकेशन किसी भी सीट के लिए देना कोई बुरा नहीं समझा जाता। आम वर्कर जो है, चाहे उसके पास माली वसाइल हैं या नहीं है, अगर वो अपने आप को समझता है कि मैं इस अहल हूँ कि मैं लोगों की खिदमत कर सकता हूँ, तो वो अपने आप को पेश करता है, बकायदा एप्लीकेशन देता है, बोर्ड उसका इंटरव्यू करता है। और एक जमहूरियत का जो हुसन है वो हमें इस पार्टी में बिल्कुल नज़र आता है कि भाई जिसको फिर टिकट मिल जाए मनवान सारे उसके पीछे चलते हैं। तो तहसील निज़ामत के हवाले से भी हमारे यहाँ पर कोई 10-12 नाम हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं आर अवाल से हवाले से, पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं, बाकी मेरिट सारे उनके पूरे हैं। तो एक पार्लिमानी बोर्ड बनेगा, उसमें सब अप्लाई करेंगे, इंटरव्यूज़ होंगे, ग्राउंड पे जो है वो वर्किंग चेक की जाएगी, और जो भी फैसला हुआ इंशाल्लाह ताला सारे उसको मनवान तस्लीम करें। सर, जैसा आपने फरमाया कि 10-12 नाम है, यहाँ से मुझे याद आया कि 2018 के इलेक्शन में सरदार सलीम साहब ही सूबाई असम्बली के उम्मीदवार थे, आपके नईमुल हक साहब अभी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वादा भी उनसे किया था गालबन कि आप अभी बैठ जाएँ तो बल्दियाती इलेक्शन में आपको मौका दिया जाएगा। वो क्या उनका जो वादा था वो भी पूरा किया जाएगा सर? जी, सरदार साहब भी बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, और मरी के लिए उनके नाजम पहले भी रहे, उनके भाई भी रहे, बड़ी खदमात हैं और बड़े विजनरी आदमी हैं, तो वो भी मैदान में हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो भी मैदान में हैं। और सियासत में आप देखा जाता है कि उस वक्त मतलब मैदान के अंदर ज़्यादा मौजूद कौन है और लोगों को साथ लेके कौन चल रहा है या चल सकता है। तो बिल्कुल वो हमारे बुज़ुर्गों की जगह है, वो बड़ा प्रोमिनेंट नाम है, बड़ा प्रोमिनेंट ख़ानदान है, और वो बिल्कुल उनका एक नाम है, मामला है। तो इसी तरह और भी लोग हैं, जो पार्टी का पार्लिमानी बोर्ड फैसला करेगा वो सबको मंजूर होगा। सर, कोसार यूनिवर्सिटी का वादा तो पूरा हो गया, लेकिन एक वादा सर रह गया है, शामली टीबी सेंटोरियम हॉस्पिटल जो आपने जनरल का उसका इफ्तिताह भी किया था, आपकी हेल्थ मिनिस्टर यस्मीन राशिद साहिबा भी आई थी, आपके MNS दाकुदबाजी साहब, MPA मैजर लतासब सत्ती साहब आप भी थी, आपकी पूरी यहाँ की क्यादत भी थी सर, वो वादा रह गया, क्या सर वो वादा पूरा हो पाएगा या नहीं? जी, उस वक्त नहीं, उस वक्त मरी में तंजीमी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, और हमारे MPA MNAs जो हैं उन्होंने अपनी किचन कैबिनेट की एक टीम बनाई थी और मुख्तलिफ अदारों में एडवाइज़र्स लगाए थे, जो शुरू में लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन बाद में बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने एक ब्रिज का रोल अदा किया, और मुझे उस सारे उसमें हेल्थ की एडवाइजरी दी गई, और वो MNA MPA के साथ बैठ के हमने एक प्लानिंग की। और पहले तो 3 अदवार या 4 गुजर गए, मतलब 30 साल से हुकूमतें काफ की भी रही, नून की भी रही, पीपल्स पार्टी की भी रही, वो यही ढूंढते रहे कि मरी में किस जगह पर जो है वो अस्पताल को बनाया जाए। जो जगहें वो पसंद करते थे वो उसको जब नेस्पाक या कोई आती थी कंपनी तो इस तरह की कोई टेक्निकल लोग तो उस जगह को फेल कर देते थे। जगह अगर पास करते थे तो वो इतना एरिया नहीं होता था कि वहाँ पर अस्पताल बड़ा सेटअप बन सके। तो ये हमारे ताकत साहब, लतासब साहब और मैंने जो है उस वक्त के चौधरी जायद साहब थे MS, बड़े लायक आदमी थे, उनके साथ जाके डिस्कशन की, तो वहाँ पर हम देख के हैरान रह गए कि 365 कनाल जगह है और बिल्कुल लबे सड़क है, और एक ऐसी जगह पर वाक़ है यूनियन कौंसिल त्रेड के बिल्कुल यहाँ घोड़ा गली ख़त्म होती है, जहाँ त्रेड शुरू होती है उसकी एज पे, जहाँ पर मौसम भी बड़ा मोतदिल है, और वो 365 कनाल जगह और 365 बेडेड उसकी कैपेसिटी थी। और वहाँ पर हमने एवरेज उनसे पूछा कि यहाँ पर TB के कितने अभी मरीज़ हैं, तो उस वक्त मेरे ख्याल से 18 से 20 के करीब थे, और जो उन्होंने हमें बताया कि गर्मियों में इनकी तादाद कोई 40 हो जाती है, कि बहुत सारे पंजाब में और लोग गर्मियाँ गुजारने के लिए यहाँ पर सिफारिश करा के आते हैं। तो वो इतनी बड़ी जगह, आपको पता है TB जो है वो बिल्कुल क्लिनिक्स पे चली गई है, उसके ऊपर बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, मेडिसिन आ गई है, अब तो वो क्लिनिक्स में आप जाएं तो वो आपको 2-3 महीने की दवाई देते हैं, फिर 3 महीने बाद आप चेक कराते हैं। तो उसका हमने एक प्लानिंग की थी पूरी, MPA में नए उस वक्त के जनाब MS साहब थे, मैं था, और हमने ये कहा था कि इसको एक कोई ब्लॉक इसको दे देते हैं, और बाकी जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर हम
जच्चा बच्चा का, चूंकि मिनिस्टर साहब हमारी उसी की एक्सपर्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने, और ये मदर एंड चाइल्ड केयर मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी चीज़ की पड़ती है, और उन्होंने वो कहा। फिर मैंने एमपीए साहब ने सजेस्ट किया कि नहीं साथ आपको कोई प्लास्टिक सर्जरी यूनिट या बर्न सेंटर या इस तरह की कोई साथ और दें, प्लस इसको जनरल अस्पताल भी इसका एक ब्लॉक करें। तो उसी को हम आगे ले जाते हुए हमने बकायदा पहले ब्रीफ किया हमारे नुमाइंदों ने मिनिस्टर साहिबा को, और फिर मिनिस्टर साहिबा ख़ुद वहाँ पर आई, विज़िट किया, हमने सारा प्रोग्राम किया और वहाँ के सारे लोगों को हमने जमा किया, उनसे ऐलान भी करवाया। बीच में पहले डेंगू आ गया और फिर उसके बाद कोरोना आ गया, जिसकी वजह से कोई 10 करोड़ रुपया उसका कुछ फंड आया इनिशियल स्टेज पे, कि जिसमें हमने ये भी कहा कि हम जो हैं वो सरातुल जन्ना और कंपनी बाग का जो मोड़ है उसके दरमियान, दोनों सड़कों के दरमियान जो 40 कनाल जगह है वो भी अस्पताल की जगह है, तो वहाँ पर एमएनए साहब ने और एमपीए साहब ने ट्रॉमा सेंटर बनाने के हवाले से वहाँ पर बात की कि कोई 40-बेडेड ट्रॉमा सेंटर एक बन जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। मतलब गिलियाद से लेकर इस्लामाबाद तक आप देखें तो कोई भी इस जीटी रोड के ऊपर ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी हादसात की सूरत में, या फिर कोई भी किसी किस्म की कोई इमरजेंसी हो जाए, तो वो भी हमारे उसमें थी। तो हम उस 10 करोड़ रुपये में हम कह रहे थे कि पहले वहाँ पर शुरू करें, बल्कि अस्पताल की बिल्डिंग खाली हो गई थी, अस्पताल को बल्कि अंदर से रेनोवेशन उसकी शुरू हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से फिर सारे फंड्स आपको पता है डेवलपमेंट के सारे वो चले गए थे। इस बार दोबारा इंशाल्लाह ताला मेरी एमएस साहब से बात हुई उस दिन, मैंने एमपीए साहब से ही बात हुई, अभी कुछ मुतवक्को दौरा है वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर आला साहब का, दोनों आएंगे या दोनों हॉस्पिटल में जी कोई आएंगे मरी में, और इंशाल्लाह ताला कोई अब एमएनए साहब आते हैं तो उनसे दोबारा ब्रीफिंग लेते हैं। कोई बहुत अच्छी खबरें हैं मरी के लिए, जिसमें ये शामली अस्पताल भी है और ये बड़ी अच्छी जगह है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको अपने टेन्योर में कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट करें, और ये हम जो हमने वादा किया हुआ है, ये हमने किसी ने आके हमने नहीं का वादा किया, हमने खुद सर्च करके आवाम की उसके लिए हमने किया। और ये इलेक्शन के हमारे बड़े वादे थे, जिसमें एक यूनिवर्सिटी का क्याम था जो मतलब 4 दहियों से करते आ रहे थे मुख्तलिफ पार्टियों के लोग, नहीं बना सके। अस्पताल जनरल का था, क्योंकि THQ जगह भी ऐसी लोकेशन के ऊपर है कि यहाँ पर फ्लोटिंग टूरिज्म टूरिस्ट का लोड भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये शहर के लिए या उन चाओं के लिए तो ठीक था, गांव से लोगों को ये दूर पड़ता है, बाकी 90% लोग जो हैं वो मरी की बाकी रूरल 14 यूनियन काउंसिल्स में रहते हैं। तो उस हिसाब से हमने खुद ही ये नारा आवाम को दिया और वो जगह ढूंढी, और हम बिल्कुल मुखलिस हैं। यूनिवर्सिटी हमने बना दी, उसका बनाने से पहले कहने लगे कि ये किताबों की बातें कर रहे हैं, ये हो नहीं सकती, ये तहसील में नहीं जा सकती। हमने उसको फिर ज़ाहिर है एक प्रोसेस होता है, हमने उसको एक्ट उसका पास हुआ, फिर सिंडिकेट्स बनाए, फिर उनकी मीटिंग होनी थी, फिर आगे इन्हों का क्लासिक करके दिखाएं, बोर्ड लगा के दिखाएं, ये करके दिखाएं। आप तो अल्लाह की मेहरबानी से एडमिशन जारी हैं, और मतलब मुझे रोज़ 1-2 फोनें आती हैं कि हमने अपनी बच्ची या बच्चा उसका एडमिशन करवाना है, तो आप हमारी सिफारिश कर दें। हमने एमएस साहब से बात की तो उन्होंने, डेट गुजर गई, जितने हमने करने थे वो हमने, क्योंकि ये जो सेशन था अभी चल रहा है ये रूटीन से हट के है। वैसे आपने देखा कि जुलाई अगस्त में जाके यूनिवर्सिटी सारी एडमिशन करती हैं कि 12वीं के बाद वहाँ पर पेपर दे के लोग रिजल्ट सुन के आ जाते हैं, तो दोबारा हम जुलाई में इंशाल्लाह, अभी 7 प्रोग्राम्स हैं, कोई 5-6 और। मेरी बात हुई थी चांसलर साहब से, VC साहब से, उन्होंने कहा कि हम कोई और 7-8 प्रोग्राम ला रहे हैं, तो वो हो गया। अस्पताल वाला भी इंशाल्लाह ताला होगा, बल्क वाटर के ऊपर लगे हुए हैं वो, अगर हो गया तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो उसके मुतबादल सोर्स हमने 2-3 रखे हुए हैं, जिसमें धार जावा डैम बड़ा प्रोमिनेंट है, और बड़े मतलब ऑलरेडी वहाँ पर एक पाइपलाइन आ रही है, सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, 11,000 वाट की जो है वो अलग बिजली की लाइन वहाँ पर गई हुई है, बड़े नॉमिनल खर्चे के ऊपर मेरे ख्याल से। मरी से है भी बड़ा करीब तरीन एक और लाइन डाल के वो आ सकता है, उसके ऊपर भी चल रहा है। एक और 2 स्कीम्स हैं उसके ऊपर भी MNA साहब MPA साहब लगे हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि हम बजाय कि ये सड़क पक्की की ये अगले साल फिर कच्ची होती है, रास्ता पक्का किया ये अगले साल फिर कच्चा होता है, वो कई ज़रूरियात हैं और वो भी हम कर रहे हैं। मतलब अभी अगर आप 3 साल में देखें तो आज से 6 महीने पहले हमने कहा था कि कोई 1,000 के करीब छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स हमारे लगे हुए हैं। हम तो मोहल्ला वाइज जो है, जहाँ सड़क नहीं है सड़क दे रहे हैं, जहाँ रास्ता नहीं है रास्ते दे रहे हैं, हालांकि वसाइल बहुत कम है, बजट जो है वो
बहुत कम है, कर्ज़ों की सूरत हाल आप देख लें, गो के खान साहब ने बहुत कंट्रोल की चीज़ें, डेवलपमेंट में उस तरीक़ार से पैसा नहीं लगाया कि मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, लेकिन इसके बावजूद हम वो चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन चीज़ें जो मरी के लिए ज़रूरी हैं कि यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, इंशाल्लाह हो गई, बहुत जल्द आपको पंजाब हाउस की जो बिल्डिंग है उसको नोटिफिकेशन हुआ हुआ है, वो भी बहुत जल्द हैंड ओवर हो जाएगी। शामली अस्पताल इंशाल्लाह हम इन एनी केस जो है वो अपने टेन्योर में उसको कोशिश करेंगे कि वो वहाँ पर जनरल अस्पताल को उसको दर्जा दिया जाए और वहाँ पर एक दो और जो है यूनिट्स कोई आ जाएँ मेडिकल के। और इसके अलावा पानी का जो है वो भी हम लगे हुए हैं इंशाल्लाह ताला, वो भी एक खुशखबरी है। सर पंजाब में सबसे ज़्यादा जो है ना जगह सुनने में आ रहा है कि इसी हॉस्पिटल के पास है, टीबी सेंटोरियम हॉस्पिटल के पास, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हमारा मसला होता है मरी में एक गायनी का, गायनी की शुरू में आई थी यहाँ पे एक डॉक्टर, अभी वो डॉक्टर भी वहाँ पे नहीं है। ये जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ओलीफेम जूले कहते हैं, जो हमारे पास पेशेंट आता है मरी से वो ख़राब करके यहाँ पर भेजते हैं जब वो हमारे पास में भी नहीं रहता। सर इतनी बड़ी जगह, लेकिन आप अभी वहाँ पे जो 180 के लगभग वहाँ पर सिर्फ जो आमला है हॉस्पिटल के अंदर, बकौल आपके भी कि वहाँ पे 20 से 25 पेशेंट होते हैं लेकिन गर्मी में 40 तक जाते, इतना बड़ा आमला सर सिर्फ टोटल जो 20 से 25 पेशेंट के लिए, एमरजेंसी तो होती है, एमरजेंसी में तो इतने बंदों की वैसे भी ज़रूरत नहीं है। सर वहाँ पर अगर आप कोई डॉक्टर बुला ले गायनी की और एक सर्जन हो जाए वहाँ पर जो अस्सात वगैरह होते हैं मेन रोड पर, फास्ट ट्रीटमेंट वहाँ पर उन्हें मिल जाए। जी अभी तक वो क्योंकि सिर्फ वो सैनिटोरियम के हवाले से काम हो रहा है, दैट्स वाई वो उन्होंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें रखी हैं। इसी को हमने करने के लिए जाके वो जगह सर्च की, उनसे डिस्कशन की, फिर वो सारा मिनिस्टर साहब आई तो हम उसी के ऊपर लगे हुए हैं। ये पूरा जनरल अस्पताल जब हो जाएगा तो सारी चीज़ें ऑटो ठीक हो जाएंगी और इंशाल्लाह खुशखबरियाँ हैं। दुआ करें ये दौरा जो हमारे नुमाइंदे इंशाल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब को लाने में अगर कामयाब हो गए तो ये वैसे भी मतलब ये बात हमें मेरे ख्याल से समझाना अगले बंदे को बहुत आसान है कि पूरा आपका गलियात और काफ़ी ज़्यादा आपका हज़ारा बेल्ट और इधर कोठली सतियाँ तक पूरी तहसील मरी, ये सब इधर लोरा के इलाका, ये सारे लोग जो हैं ये जाके आपके रावलपिंडी ओली फैमिली या सेंट्रल अस्पताल या फारा चौक अस्पताल या फिर पोली क्लिनिक या पिम्स में जाके इनका लोड होता है। और ज़्यादा आप देखें तो मेरे ख्याल से 60-70% लोग यहाँ से जाके वहाँ पर बर्डन बनते हैं। तो यहाँ पर एक अस्पताल अच्छा स्टेट ऑफ द आर्ट अगर बन जाए, जगह भी मौजूद है, तो मेरे ख्याल से ये उन अस्पतालों के ऊपर से बर्डन हटेगा और ये लोग सारे इधर ही थम जाएंगे। और ये जो माइग्रेशन भी है हमारे इलाके से जो है शहरों की तरफ लोग रुख कर रहे थे, वो बेसिक तीन वजूहत की वजह से थे। एक तो मतलब यूनिवर्सिटी नहीं थी, ज़्यादातर लोग जो है अपने बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में वहाँ पर जाते थे। दूसरा जो है वो सेहत की कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं थी, इसके लिए उनको ट्रैवल करना पड़ता था, समटाइम तो 10-10, 15-15 दिन वहाँ पर किसी रिश्तेदार या फिर कोई जगह किराए पर लेके और इस तरीके कार से रखना पड़ रहा है। और तीसरी बात थी सुई गैस के हवाले से कि सुई गैस मरी में नहीं थी, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर सर्दियों में यहाँ से माइग्रेशन करते थे। तो इंशाल्लाह ताला सुई गैस भी जो है वो आधी से ज़्यादा मरी में आ गई है, जो बाकी रहती हैं हमारी कोशिश होगी कि हम अपने टेन्योर में हर गाँव में उसको पहुँचाएँ। यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह बन गई हुई है, उसका अभी ये जो मौजूदा सेटअप था उसमें चल रही है, बहुत जल्द इंशाल्लाह बरूरी वाले जगह पर काम होगा और प्लस पंजाब हाउस की भी बिल्डिंग मिल जाए थोड़ी आसानियां हो जाएंगी। अस्पताल जो है वो हमने जो इंशाल्लाह उसके ऊपर लगे हुए हैं वो हम कोशिश करेंगे वो अपने टेन्योर में उसके ऊपर जो है वो वर्किंग शुरू हो जाए। मतलब अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मौजूद भी है तो उसको दर्जा वो दिलवा दें। और इसके अलावा तो ये तीन बेसिक चीज़ें अगर पूरी होगी तो मेरे ख्याल से ये अगले बंदे को भी समझ आती है वो लोड उठाने के लिए। और मेरे ख्याल से बात हुई है नुमाइंदों की हमारी ऊपर, जल्दी इंशाल्लाह कोई ना कोई खुश होगा। सर एक पूरी जो पाकिस्तान की आवाम का मसला है, अब तक आपकी हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम क्यों है? महंगाई मेरे ख्याल में जो है वो वाकई एक बड़ा कंसर्निंग इशू है और बर्निंग इशू भी है, इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और हम सारे जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, हम भी अपनी लीडरशिप को हर मीटिंग में हर मामलात में यही कहते हैं, हमारे नुमाइंदे भी जाके अपने हैसियत के मुताबिक जिधर उनकी पहुंच है वो सारे यही कहते हैं, अब तो वज़ीर और मुशीर भी सारे यही कहते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि ये महंगाई आखिरकार ऊपर गई क्यों। एक तो कोरोना की वजह से आप देखें कि पूरे
جو دنیا کا ایک معاملات ہیں وہ مختلف ہو گئے ہیں کہ چیزیں آپ امپورٹ نہیں کر پا رہے، بہت ساری چیزیں آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، تو اس کی وجہ سے ایک پرابلم آئی ہے دنیا میں، جو ہے وہ انکریزنگ ٹرینڈ گیا ہے مہنگائی کے حوالے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ نے جو ڈالر بیسڈ ہماری ساری اکانومی ہے اس کو عارضی طور کے اوپر جو انہوں نے 120 پہ کھڑے رکھا، مطلب وہ آرٹیفیشل طریقہ کار سے، تو جب وہ گورنمنٹ گئی تو وہ سارا جب آرٹیفیشل کیپ اس کے اوپر سے ہٹا، وہ اپنی اوریجنل جگہ پر گیا، تو اس سے ملک بھی بڑا نیچے آیا، ہماری حکومت کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور مہنگائی بھی اوپر گئی۔ تو ہم بھی آپ کی طرح پریشان ہیں، ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ ہے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو مطلب الارمنگ کوئی چیز ہے، ہر بندہ زبان زد عام ہے، تو اس کو نہ کنٹرول کیا جائے، ڈیفینیٹلی کچھ اوپر ہو رہا ہے۔ اور ابھی میں اس دن ٹی وی پہ بیٹھا سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بجائے ڈائریکٹ جو اداروں کو مطلب گندم کی صورت میں فلور ملوں کو ریلیف دیتے تھے یا یوٹیلیٹی سٹورز کھولتے تھے یا کوئی اور ایسے چیزیں ڈائریکٹ چینی کی مد میں ملوں کو دیتے تھے سبسڈی، بجائے وہ دینے کے لیے کہ اب انہوں نے ایک سروے سٹارٹ کیا ہوا ہے، وہ سروے جو ہے وہ میرے خیال سے جون تک کافی، ابھی 70% ہو گیا ہے ان کے بقول، 30% رہتا ہے، جون تک کمپلیٹ ہو جائے گا، تو اس میں پورا غریبوں کے جو خاندان ہیں ان کا ڈیٹا ہو رہا ہے، اور خان صاحب کے بقول 300 خاندانوں کو جو ہے وہ ڈائریکٹ سبسڈی دیں گے، آیا وہ ڈائریکٹ ان کو کیش کی صورت میں مدد کریں گے کس طرح ہے، تو 300 خاندانوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی تقریباً آدھی آبادی جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ سبسڈی دے کے اس مہنگائی کی جو ایک آفت آئی ہے اس کو کم کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہماری حکومت لگی ہوئی ہے جی۔ سر میرا آخری سوال آپ سے کہ آپ کے والد محترم اللہ پاک نے جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے سر، اور عرفان عباسی صاحب پورا پاکستان انہیں جانتا تھا، ان کی ماری کے لیے بہت زیادہ ایک ان کی اچھی سوچ تھی اور انہوں نے ایک تحریک چلائی تھی صوبہ پٹھوار، تو سر اس مشن کو آپ آگے لے کے چلے یا نہیں چلے، سر اس پہ آگے آپ کا کیا ہے اس حوالے سے رد عمل؟ جی، صوبہ خطہ پٹھوار کے حوالے سے بالکل والد صاحب نے اس کی تحریک چلائی اور باقاعدہ ایک آواز دی، ہم مری والے جو ہیں وہ اس تحریک نے زور بھی پکڑا تھا جی انشاءاللہ، ہمارے مطلب لوگوں کو یہ ان کے ذہن میں بٹھایا کہ ہم سارے پٹواری ہیں، اور پٹوار کے پورے وسائل معاملات انہیں نکال کے دکھائے، اور بڑے ان کے پاس نالج تھا، ہمیں بھی اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ان کے لکھی ہوئی جو پمفلٹس وغیرہ ہیں وہ اکثر میں دیکھتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں، ان کی زندگی میں بھی ان سے بریفنگ لیتا رہا، اور میں بھی ابھی پچھلے جو حکومت تھی اس کے آخری دنوں میں ایک اخبار میں باقاعدہ اشتہار آیا کہ بھائی صوبوں کے حوالے سے تجویز دی جائے، تو میں نے پورا ایک جو ہے وہ تقریباً ڈاکومنٹ بنا کے وہ جا کے میں نے پارلیمنٹ میں، وہاں پر انہوں نے ایک آفس کا ایڈریس دیا تھا، وہاں پر ہم نے جمع کروایا، اور ہم بالکل ان کی جو یہ تحریک آگے بڑھے گی، صوبہ پٹوار کی تحریک ہے اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں، لیکن آپ نے ملکی صورتحال دیکھی ہوگی کہ پہلے بہت زیادہ آواز تھی صوبہ سرائکی بنانے کی، بہت زیادہ پھر اس کے بعد بہاولپور کی آواز تھی، پھر آپ کا جو ازارہ ہے اس کی آواز تھی، ساتھ پٹوار کی بھی والد صاحب نے بڑے زور شور سے شروع کی تھی، لیکن آپ دیکھیں صرف پٹوار کی نہیں بلکہ جتنے بھی صوبے ہیں سب کی تحریکیں ابھی تھوڑی خاموش ہوئی ہیں، کیونکہ ملکی حالات ہی ایسے ہیں کہ یہ مطلب کوئی سیاسی طور کے اوپر کوئی تھوڑا سٹیبل سارا معاملہ ہو، پھر جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا کسی جگہ پر سمیٹا جائے، اور پھر یہ معاملہ ہوگا، اور جب بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی صوبے کی تحریک تھوڑا ہلی تو آپ کو پٹوار کی تحریک جو ہے وہ شانہ بشانہ چلتے ہوئے نظر آئے گی انشاءاللہ۔ جی ناظرین، آج ہمارے مہمان تھے بانی صوبہ پٹھوار عرفان عباسی صاحب کے فرزان، صدر پاکستان تحریک انصاف تحصیل مری سوہیل عرفان عباسی صاحب۔ سر شکریہ ٹائم دینے کا بہت بہت، اگلے ایک نئے پروگرام تک اپنے میزبان آصف شوکت عباسی کو اجازت دے اللہ نگہبان۔